तो दोस्तों टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि किस मुद्दे पे बात होने वाली है। हमारा एक चैनल है जो कि हैक हो चुका है, और हैक होने के बाद उस पर जितना भी कंटेंट था, जितनी भी हमने मेहनत करी थी, सारी एक ही झटके में जितनी भी मेहनत है पानी में मिल चुकी है। और इनफैक्ट जो नाम है चैनल का वो भी चेंज होके कुछ और हो गया है। और हमने बहुत कोशिश करी कि हम चैनल को वापस लेके आ पाएँ अपनी जीमेल आईडी के थ्रू जिससे हमने वो बनाया था, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि जिस बंदे ने वो हैक किया है उसने जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया है, और पासवर्ड वापस लाने के लिए जो रिकवरी आईडी चाहिए होती है वो भी चेंज करके उसने कुछ और डाल दिया है, और अपना नंबर भी होता है कि जिससे आप अपना लेके आ सकते हो पासवर्ड वापस, बट उस बंदे ने नंबर भी चेंज कर दिया, तो कोई ज़रिया ही नहीं बचा कि हम अपना चैनल वापस लेके आ पाएँ। बाकी चैनल पूरा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा पूरे कंटेंट के साथ वो भी पता चल जाएगा। और इन फ्यूचर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई मेल आए तो उसका आप रिस्पॉन्ड मत करना, कोई लिंक वगैरह वो क्लिक मत करना, क्योंकि बहुत आसानी से आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात नहीं हो रही, सिर्फ जीमेल की बात नहीं कर रहे हम लोग, तुम्हारी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी या कोई भी आईडी की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि हम तुम्हें वेरीफाई करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये प्रमोट कर दो, ये कर दो, एक्सपाइजी जो भी है, लिंक पे क्लिक मत करो क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस उसको मिल जाएगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि सबसे पहले जो भी आपको ब्रांड अप्रोच कर रहा है, बंदा अप्रोच कर रहा है, एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करो, कौन सी वेबसाइट है, क्या है। देखो हमने तो भुगत लिया, आप कहना बहुत आसान है हमारे लिए, हमने खुद ये चीज़ें नहीं करी, पर हम आपको अवेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको यार लालच आ जाता है कि ब्लू टिक लग जाए प्रोफाइल के आगे, या ठीक है इतने टाइम बाद कोई ब्रांड डील आई है वो कर लेते हैं, तो वो आपको ऑफर करते हैं ये कि पैसे ज़्यादा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर एक बार बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना, और हो सके तो लिंक्स पे ऐसे ही मत क्लिक करना, ऐसे लालच में मत जाना कि भाई वेरीफाई हो जाए जल्दी और या जल्दी पैसे वैसे मिल जाए, कमाई अच्छी हो जाए। मतलब हमारे साथ जो भी हुआ इस सब से कुछ रिलेटेड नहीं था, ये चीजें हमें बाद में पता चली जब हमने और लोगों से बात करी, तो हमें पता चला कि अच्छा उसने इस लालच में लिंक पे क्लिक कर दिया था, उसने उसको बंदे ने ये कहा था, हमारे साथ सीन बहुत ही अलग था। मतलब और हमारे साथ इनफैक्ट ये भी हुआ है कि हम इस कदर उसने हमारा पीसी हैक कर लिया कि कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही, कोई भी एंटीवायरस वेबसाइट नहीं खुल रही, ना कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हो रहा, ना कुछ हो रहा। अब अगर अभी मैंने जब वो हैक हुआ पूरा सिस्टम, तो तब से लेके अब तक मैंने अभी अपना सिस्टम नहीं चलाया, क्योंकि अगर मैं कुछ भी अपने सिस्टम में करता हूँ तो हो सकता है कि वो उस बंदे के पास चला जाए, सारी एक्टिविटीज उसके पास जाएंगी। अगर ये अपना फेसबुक लॉगिन करेगा उसके पास की फेसबुक की आईडी मतलब पासवर्ड उसके पास हो जाएगा, तो अब मुझे अपना जो मेरा सिस्टम है वो पूरा लगा लो विंडोज पूरी दोबारा नई डलवानी पड़ेगी, और दोबारा सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा ताकि वो ना कर पाए दोबारा हैक चीज़ें। तो आप लोग को फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट भी दिख रहे होंगे, जो चैनल था हमारा पीयूष गुर्जर के नाम से, जहाँ पे पीयूष स्ट्रीमिंग करता था गेमिंग की, वो हैक हुआ है और उसका नाम भी रिप्लेस कर दिया, उसमें कुछ गिव अवे चालू कर दिया, जो नाम हो गया है पीयूष गुर्जर से ripple.co.। पर अभी तो YouTube ने वो चैनल ही टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि उस पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी उन्हें पता चल गई थी, और YouTube की गाइडलाइंस उसने थोड़ी वो वायलेट कर दी। हमने बिल्कुल भी देरी नहीं करी, YouTube टीम को कांटेक्ट करने में सारी लिंक विंक जा चुकी है, पर प्रोसेस थोड़ा स्लो है क्योंकि इंडिया वाले जो टीम है वो भी US बैकएंड पे भेजते हैं चीज़ों को, वो भी वेरीफाई करेंगे, टाइम लगाएंगे, बस यही है कि कॉन्टेंट वापस आ जाए, क्योंकि आप समझते हो जो भी स्ट्रीमर्स हैं, जो भी गेमर्स हैं, कि घंटों कंप्यूटर के आगे बैठना, गेम खेलना देखने में बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन उसको एंगेजिंग बनाना, बोलते रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है तुम्हारा चैनल हैक हो गया, अगले ने पूरा पीसी हैक कर रखा है, कुछ पूरा भी करोगे उसको दिखेगा। हम जैसे लोग लगा लो जो इतने अवेयर है, हम फंस सकते हैं तो आप भी फंस सकते हो। प्लीज़ कोई भी लिंक आते क्लिक करो ही मत, कोई ब्रांड है कुछ भी है बैकग्राउंड चेक जरूर करो। एंड ऑल्सो हम लोग पता है इस चक्कर में फंस गए, हमारे पास जब वो मेल आया तो डायरेक्टली इनबॉक्स में आया, ना ही उसमें कोई वार्निंग थी ना कुछ था, लेकिन जब हम हैक हो गए उसको एक्सेस मिल गया, उसके बाद उस मेल पे लिखा रहा है अटेंशन, आप लगा लो कोई साइट ही नहीं खुल रही है, कुछ भी नहीं खुल रहा, मतलब मैं कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ खुल ही नहीं रहा है, मतलब ये आ रहा है कि नेट मेरा चल रहा है, मेरे फोन में चल रहा है पर पीसी में नहीं चल रहा। और उस बंदे वो बंदा देखो इतना शातिर बन रहा है, उसको मैंने वापस से टेक्स्ट और मेल करा कि भाई वापस कर दे, क्या सीन चल रहा तुमने क्यों कर दिया, तेरे को चाहिए क्या, तो कह रहा है कि तुम्हारा हैक हो गया, ओहो स्क्रीनशॉट भेजो, एक काम करो मेरे को स्क्रीनशॉट दो, प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है हैक हुआ है, और मैं YouTube और Gmail टीम से डायरेक्ट टच में हूँ, मैं तुम्हारा करवा दूंगा। मतलब और पता क्या कह रहा है, ये सब करना दूसरे कंप्यूटर के साथ ताकि वो वाला भी वो हैक कर ले, देख रहे हो चालाकबाजी। पर दोस्तों यही है, देखो बुरा तो लगता ही है जब आप अपनी मेहनत करते हो और आपका कंटेंट एक उड़ जाता है सारा,
तो अलर्ट रहो सारे, तो देखते हैं क्या होता है चैनल के साथ, वापस आता है या नहीं आता, आपको अपडेट जरूर मिलेगी उसको लेके। आप आ जाए बिल्कुल, और उस पे और अच्छी अच्छी स्ट्रीम्स हम लोग करेंगे। बाकी जो भी है हमारी नई वीडियो आ चुकी है रियल एट पे, जाके देखो, यहीं पे कहीं पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी हमने डाली 2-3 दिन हुए हैं, तो जरूर जाके देखें। बी अलर्ट, बी सेफ, बी अवेयर, मतलब सब होते हैं पर प्रैक्टिस करो यार इस चीज को, बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, चलो मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय।